बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर टुडेज लेक्चर। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 3 डाइजेशन, एंड द टॉपिक्स ऑफ आवर टुडेज लेक्चर विल बी टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ, लुकिंग आफ्टर योर टीथ। First of all, we will study that what is digestion. In order to work properly, the systems of your body need food. The food you eat cannot go straight to the parts of your body. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आपके जो बॉडी के सिस्टम्स हैं उनको प्रॉपरली वर्क करने के लिए फूड चाहिए होती है, और जो फूड आप लेते हैं वो डायरेक्टली आपकी बॉडी के पार्ट्स में डिजॉल्व नहीं हो सकती। इट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इन टू सब्सटांसेस विच कैन बी एब्जॉर्ब। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो फूड छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो और उसके बाद उसको बॉडी में एब्जॉर्ब करवाया जाए। टू डू दिस इट हैज़ टू गो थ्रू सेवरल स्टेजेस। इस प्रोसेस के लिए फूड को डिफरेंट स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, जिसमें पहले उसकी ब्रेक डाउन होती है और फिर वो बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। और फर्स्ट टॉपिक इज टीथ। अ बेबी इज बॉर्न विदाउट टीथ। टीथ ओनली बिगिन टू ग्रो आफ्टर द बेबी इज अ फ्यू मंथ्स ओल्ड। जब एक बेबी बॉर्न होता है तो उसके टीथ नहीं होते, उसके टीथ सिर्फ कुछ मंथ्स के बाद ग्रो करना शुरू करते हैं। व्हेन अ बेबी इज बॉर्न इट कैन नॉट च्यू सॉलिड फूड, इट कैन ओनली फीड ऑन मिल्क एंड अदर लिक्विड्स। एक न्यू बॉर्न जो बेबी होता है वो सॉलिड फूड यानी कि जो सख्त खाने होते हैं उसको नहीं खा सकता। उस टाइम पे वो सिर्फ मिल्क और डिफरेंट जो लिक्विड्स होते हैं उनको ले सकता है। व्हेन इट ग्रोज अ लिटिल ओल्डर अ बेबी नीड्स टीथ टू ईट सॉलिड फूड। एट द एज ऑफ अबाउट 3 अ चाइल्ड हैज़ अ सेट ऑफ 20 टीथ। जब वो बेबी थोड़ा सा बड़ा होता है तब उसको टीथ चाहिए होते हैं सख्त फूड जो सॉलिड फूड्स हैं उनको चबाने के लिए। तो जब उसकी एज राउंड अबाउट 3 हो जाती है तब उसके अंदर फेस में या माउथ में 20 टीथ प्रेजेंट होते हैं। दीज टीथ आर कॉल्ड बेबी टीथ और मिल्क टीथ, और इन टीथ को हम बेबी टीथ और मिल्क टीथ कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ टीथ। एट द एज ऑफ 6 द मिल्क टीथ स्टार्ट टू फॉल आउट एंड न्यू टीथ अपीयर इन द गैप। जब एक बच्चा 6 ईयर्स का होता है तो उसके जो मिल्क टीथ्स होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं और फिर उनके जो गैप्स होते हैं उनमें न्यू टीथ्स ग्रो करते हैं। देयर आर 32 टीथ इन दिस सेकेंड सेट विच आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। उसके जो फिर टीथ्स ग्रो कर चुके होते हैं उनमें 32 टीथ्स प्रेजेंट होते हैं सेकेंड सेट में जो न्यू ग्रो करते हैं, और उनको हम परमानेंट टीथ कहते हैं। If they are looked after properly, they will last a lifetime. अगर आप उनकी properly care करेंगे तो वो सारी ज़िंदगी आपके उसी तरह रहेंगे। The teeth at the front of the mouth are used for cutting and biting food. जो आपके mouth के front में teeth मौजूद हैं उनको use किया जाता है food को cutting या चबाने के लिए, या food को छोटे छोटे parts में break down करने के लिए। These 8 teeth विच कट फूड आर कॉल्ड इन सीजर्स। ये जो 8 टीथ हैं आपके जो फूड को कट करते हैं इनको हम कहते हैं इन सीजर्स। द पॉइंटेड टीथ बिसाइड योर इन सीजर आर कॉल्ड कैनाइन टीथ। बिकॉज दीज टीथ आर पॉइंटेड एंड ऑल्सो शार्प दे हेल्प टीयर फूड। जो आपके पॉइंटेड टीथ होते हैं आपके इन सीजर्स के साथ मौजूद होते हैं उनको हम कैनाइन टीथ कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, इसलिए इनमें ये एबिलिटी होती है कि ये आपकी फूड की ब्रेक डाउन कर सकें। देर आर 4 कैनाइंस 2 इन ईच जॉ। आपके माउथ में 4 कैनाइंस मौजूद हैं और दोनों जॉज में दो दो कैनाइंस मौजूद हैं। जैसे कि यहाँ भी आपको नज़र आ रहा है कि सबसे जो फ्रंट वाले टीथ हैं वो इनसीजर्स हैं, जो उनके साथ मौजूद होंगे वो होंगे कैनाइन। द बिगर फ्लैटर टीथ एट द बैक ऑफ द माउथ आर कॉल्ड मोलर्स एंड प्री मोलर्स। जो सबसे लेफ्ट में आपको नज़र आ रहे हैं वो टीथ हैं जो सबसे ज़्यादा बिगर हैं, फ्लैटर हैं और आपके माउथ की बैक साइड पे मौजूद हैं, इनको हम मोलर्स और
प्री मोलर्स कहते हैं। दीज आर यूज टू ग्रिंड एंड च्यू फूड, दे आर द टफेस्ट टीथ। ये सबसे टफेस्ट टीथ होते हैं आपके माउथ के, और इनको यूज किया जाता है फूड को ग्रिंड और च्यू करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज लुकिंग आफ्टर योर टीथ। इफ़ यू लुक आफ्टर योर टीथ प्रॉपरली दे विल लास्ट अ लॉन्ग टाइम। अगर आप अपनी टीथ की प्रॉपरली उसका ख्याल रखेंगे, सफाई का ख्याल रखेंगे, तो वो आपके जो टीथ हैं वो बहुत लंबे टाइम के लिए सही रहेंगे। वन यू ईट स्मॉल बिट्स ऑफ फूड कैन गेट स्टक बिटवीन योर टीथ। द बिट्स कैन बी क्लीन्ड अवे बाई यूजिंग अ टूथब्रश, टूथपेस्ट एंड वाटर। सम पीपल यूज अ नीम ट्विग और टूथ पाउडर। जब आप खाना खाते हैं तो आपके फूड की कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपकी टीथ में स्टक हो जाती हैं, उनको आप साफ़ कर सकते हैं टूथब्रश यूज़ करके, टूथपेस्ट और वाटर यूज़ करके। और कुछ लोग जो होते हैं वो नीम के ट्विग और टूथ पाउडर भी यूज़ करते हैं। समटाइम्स द टीथ गेट कवर्ड विद अ थिन स्टिकी लेयर ऑफ जर्म्स, दिस इज़ कॉल्ड प्लेक। कभी कभार आपके टीथ जो हैं वो कवर हो जाते हैं एक बहुत ही ज़्यादा थिन और स्टिकी लेयर ऑफ जर्म से, तो इसको हम कहते हैं प्लेक। मोस्ट पीपल हैव जर्म्स इन देयर माउथ, काफ़ी लोगों के मुंह में जर्म्स मौजूद होते हैं। जर्म्स आर वेरी डिफ़िकल्ट टू सी बिकॉज दे आर सो स्मॉल। यू मस्ट ब्रश योर टीथ केयरफुली टू गेट रिड ऑफ प्लेक। जर्म्स आपके माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं लेकिन ये आपको नज़र नहीं आते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, और आप इनको अपने माउथ से रिमूव कर सकते हैं अपने टीथ्स को रोज़ाना टाइम पे ब्रश करने से। टीथ डिके ड्यू टू ईटिंग शुगरी फूड्स, आपको यहाँ भी नज़र आ रहा होगा कि जब आपके टीथ्स के अंदर जर्म्स प्रेजेंट होते हैं तो वो उसके ऊपर स्टिक करते जाते हैं जिसकी वजह से वो प्लेक बन जाता है, और उसकी वजह से आपके टीथ आहिस्ता आहिस्ता गिरने लग जाते हैं। इसलिए आपकी टीथ को ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। शुगर एंड प्लेक टुगेदर फॉर्म एन एसिड। एसिड कैन मेक स्मॉल होल्स इन द एनिमल दैट कवर्स द टीथ। शुगर और प्लेक की वजह से आपके टीथ में एक एसिड बनता है, और वो एसिड आपके जो टीथ की आउटर कवरिंग है जिसको हम एनेमल कहते हैं उसमें स्मॉल होल्स बनाता है। व्हेन जर्म्स एंटर द होल्स द टीथ बिगिन टू रॉट और डिके, दिस कैन कॉज पेन। जब वो जर्म्स एंटर होते हैं उन होल्स में तो वहाँ से आपका टीथ ख़राब होने लग जाता है और इसकी वजह से आपको दर्द भी होता है। द ओनली वे टू स्टॉप डिके इज टू विजिट अ डेंटिस्ट। अ डेंटिस्ट विल फिल द होल्स विद फिलिंग्स। इसके लिए आपको ये करना पड़ता है कि आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। फिर उससे क्या होता है कि वो उससे ये जो डिके हो रहा होता है आपका टीथ उसको रोक दिया जाता है और उसमें फिलिंग्स डाल दी जाती हैं जो आपके इस टीथ के मटेरियल से ही बनी होती है, और इससे आपके जर्म्स और ग्रो नहीं कर सकते। Okay, students, see you in next lecture. Till then, Allah Hafiz. Stay home, stay safe.